नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। स्टार प्रचारक जो हैं वो पहुँच भी रहे हैं क्षेत्र में। तेजस्वी पहुँच चुके हैं तारापुर में और वहाँ पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने प्रत्याशी का। कांग्रेस और राजद दोनों अलग अलग लड़ रही है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव हसनपुर से विधायक हैं और उन्होंने ये कह दिया है कि कुशेश्वर स्थान से वो कांग्रेस को समर्थन देंगे, वो महागठबंधन धर्म का पालन करेंगे और कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। महागठबंधन तो टूट गया था, कुशेश्वर स्थान से भी आपने अपना प्रत्याशी उतार दिया था, तारापुर से भी उतार दिया था, राजद ने भी दोनों जगहों से उतार दिया था, महागठबंधन टूट गया था। लेकिन लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं, वो महागठबंधन को तोड़ने नहीं देना चाहते हैं, टूटने नहीं देना चाहते। देखिए, यह राज्य हित और राष्ट्र हित में महागठबंधन आवश्यक है, यह सब जानते हैं कि जब तक महागठबंधन व्यापक नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी से निजात भारत को नहीं मिल सकता। इन दोनों भारत के राज्य के विकास में बाधक हैं। तो जितने लोग हैं जो महागठबंधन की मजबूती चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे, उनके प्रत्याशी को मदद करना चाहेंगे, तभी तो NDA की हार होगी, नीतीश कुमार की हार होगी। तो इसीलिए तेज प्रताप यादव जी को हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने कुशेश्वर स्थान में हमारे प्रत्याशी को मदद करने का एक संकल्प किया है और मदद करने का भारी लाभ कांग्रेस पार्टी को होगा। पहले से भी JDU चुनाव मैदान में नहीं थी, JDU को मदद नहीं करना चाह रहा था, इसलिए भी मदद नहीं करना चाह रहा था कि JDU वो क्यों करेगा कि दोनों जगह तारापुर और कुशेश्वर स्थान के दोनों माननीय विधायक को कोरोना काल में इलाज के अभाव में सरकार के कुप व्यवस्था के कारण मौत हो गई। तो जो सरकार, जो मुख्यमंत्री अपने दो विधायक की जान नहीं बचा सके वो जनता को क्या बचाएगी। तो जनता ने निर्णय लिया है कि ऐसे निकम्मे को हमें वोट नहीं करना है। तो RJD से सीधा मेरा लड़ाई था और आज भी है इस चुनाव में, और तेज प्रताप जी के समर्थन से कांग्रेस पार्टी का पलड़ा काफ़ी भारी हो गया है। कुशेश्वर स्थान में एक तरफा लड़ाई होगा और हम चुनाव जीतेंगे। हम तो आग्रह करेंगे तेज प्रताप यादव जी से कि आप जब कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस पार्टी के समर्थन किए हैं तो आप तारापुर में भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेश मिश्रा जी को आप मदद कीजिए और दोनों जगह के कांग्रेस मतलब क्या चाहते हैं, पूरी तरह बागी हो जाए, परिवार से पूरा अलग हो जाए ना, लालू परिवार में पूरा टूटे डालना चाहते हैं आप लोग। नहीं, हम तो समर्थन मांग रहे हैं, हम बागी होने की बात समर्थन हैं। अगर आपको करेंगे तो राजद के प्रत्याशी को तो वो नीचे दिखा देंगे ना, राजद का प्रत्याशी तो हार जाएगा। अगर वो कुशेश्वर स्थान में हमारी मदद कर बंधन धर्म का पालन कर रहे हैं इसलिए हम आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं, चूंकि उनको भी पता है कि JDU लड़ाई में नहीं है, RJD से सीधा मेरा लड़ाई है, और हो सकता है कि अगर त्रिकोणात्मक हो जाए तारापुर में तो तेज प्रताप यादव जी का सहयोग कांग्रेस पार्टी को हो जाएगा, तो वहाँ भी जीत हमारी पहले ही सुनिश्चित हो जाएगी। नीतीश कुमार कहीं नहीं रहेंगे तो तेजस्वी यादव जी तो चाहेंगे कि JDU हारे और JDU को चुनाव मैदान से बाहर जाए, इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी को मदद करें। हम तो ये आग्रह करेंगे। उतना ही नहीं, पप्पू यादव जी बार बार कहते थे कि JDU को हराना है, नीतीश कुमार गड़बड़ा रहा है। नीतीश कुमार उनको जेल में भी अभी भेज दिया था सेवा काल में, वो कोरोना काल में सेवा कर रहे थे, उनको जेल में ठूस दिया। तो अब तो पप्पू यादव जी को निर्णय लेना है ना, तो आप समर्थन किनको करेंगे, RJD को करेंगे कि कांग्रेस को करेंगे, या अलग पदान पर रहेंगे नीतीश कुमार को लाभ देने के लिए। तो समर्थन देने के लिए तैयार थे, तारापुर से वो बोल रहे थे कि हम समर्थन आपको देंगे, तारापुर वो सीट भी छोड़ दिए, कुशेश्वर स्थान से अपना प्रत्याशी उतारे, तारापुर कांग्रेस के लिए छोड़ दिए थे, आप ही लोग ना पीछे हट गए। कहाँ पीछे, कौन आदमी समर्थन नहीं लेना चाहेगा, आप कहाँ पप्पू जी बोल रहे हैं। पप्पू जी घोषणा करें कि दोनों सीट पर लालू यादव जी को, RJD को और JDU को हराने के लिए सभी लोग कांग्रेस पार्टी को मदद कीजिए, ऐसा कहाँ कह रहा है। वो तो लगता है JDU से मिले हुए हैं। अगर वो JDU से नहीं मिले होते तो अपना प्रत्याशी क्यों देते हैं, जो JDU के खिलाफ का प्रत्याशी है उनको वो समर्थन करते हैं। तो मुझे लगता है कि पप्पू यादव जी अंदर से भाजपा और JDU से मिले हुए हैं। मतलब MI समीकरण जो लालू प्रसाद यादव का था, M समीकरण जो था वो तो कुछ हद तक JDU ने तोड़ दिया था, Y समीकरण एक बचा हुआ था जो यादव
जो लोग थे वो बचे हुए थे लालू प्रसाद यादव के पास, आप लोग वो भी तोड़ने में लगे हुए हैं। रंजीता रंजन को उतार दिए, तेज प्रताप यादव आ गए, पप्पू यादव का समर्थन मांग रहे हैं, पूरे यादवों को एकजुट कर रहे हैं। देखिए, सवाल यादवों का नहीं है, सवाल अल्पसंख्यकों का नहीं है, सवाल सवर्णों और दलितों का नहीं है, सवाल है बिहार की अस्मिता से। मैंने पूर्व में भी कहा कि दोनों जगह उपचुनाव क्यों हो रहा है कि कोरोना काल में दोनों जगह के माननीय विधायक ने अपनी जान गंवाई और सरकार के कुव्यवस्था के कारण। तो यह कुव्यवस्थित सरकार से निजात पाने का मात्र एक विकल्प है कांग्रेस पार्टी, चूँकि इस कोरोना काल का मामला हो या उत्तर प्रदेश में किसानों का मामला हो, एक नेता वो राहुल गांधी जी, दूसरा नेता प्रियंका गांधी जी जो लगातार किसानों के पक्ष में कोरोना काल में गरीबों और सुस्तों बच्चितों के पक्ष में संघर्ष करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं। तो जनहित में आवश्यक है कि कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों जगह से जीते। तो जो लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार से निजात पाना चाहते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी को समर्थन करना चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा, लालू प्रसाद यादव का स्टार प्रचारक में पहले नंबर पर नाम था राजद की तरफ से, ठीक है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव नहीं आएंगे, लेकिन उनकी बेटी हैं वो कह रही हैं कि पापा जाएंगे। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव आए, क्या मतलब तेजस्वी यादव को ये डर अब हो गया है क्या कि बिना लालू प्रसाद यादव के चेहरे के अब चुनाव नहीं जीता जा सकता है? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं कि लालू प्रसाद यादव जी बिहार में एक बड़ा चेहरा है, इसमें कोई इनकार इस बात नहीं। कांग्रेस को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि लालू प्रसाद यादव जी एक बड़ा चेहरा है और उनका नाम न केवल बिहार में है, संपूर्ण भारत में बड़ा नाम है। उनके आने का वोट में कितना परिवर्तन होगा नहीं हम समझते हैं, लेकिन आने का एक बड़ा मैसेज जरूर होता है और कई सालों से वो बिहार नहीं आए हैं, तो उनके चाहने वाले भी, जानने वाले भी और उनको नहीं चाहने वाले भी ये जरूर चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव भी स्वस्थ रहें, राजनीति में उनकी सक्रियता रहे। उसका लाभ आरजेडी को कितना मिलेगा वो आरजेडी बताएगा, लेकिन तेज प्रताप यादव के आने से कांग्रेस को लाभ मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्या नहीं मिलेगा, जब तेजस्वी यादव जी को का लाभ आरजेडी को मिल सकता है तो तेज प्रताप यादव जी का लाभ कांग्रेस को क्यों नहीं मिलेगा? अगर लालू प्रसाद यादव आ गए तब? नहीं, लालू प्रसाद यादव जी तो दोनों के पिता हैं, वो तेजस्वी यादव जी के भी पिता हैं और तेज प्रताप यादव जी के भी पिता हैं, तो तेजस्वी यादव जी का लाभ अगर आरजेडी को मिल सकता है तो तेज प्रताप यादव जी के समर्थन से कांग्रेस का लाभ कैसे नहीं मिलेगा? आधे के हिस्सेदार तो हैं ही ना तेज प्रताप जी, तो उनको तो लोग मानता ही है, तो निश्चित तौर पर तेज प्रताप जी का लाभ कांग्रेस पार्टी का कुशेश्वर स्थान में भारी मिलेगा। इसलिए तो हम कहते थे कि आप तारापुर में भी हमारी समर्थन कर दीजिए। चलिए, तो जहां एक भाई छोटे भाई तेजस्वी यादव महागठबंधन को तोड़ने में लगे हैं, वहीं दूसरे भाई बड़े भाई जो तेज प्रताप यादव हैं वो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन धर्म का पालन करेंगे, कुशेश्वर स्थान से कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देंगे और उनका जो परिषद है, जो हमेशा कहते रहते हैं कि नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है ये छात्र जनशक्ति परिषद, उसके सभी छात्र जो आपको प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रवक्ता हो सब लोग जाएंगे कुशेश्वर स्थान और कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देंगे, और यहाँ तक कि तेज प्रताप यादव ने साफ कह दिया है कि जीत सुनिश्चित भी करेंगे कांग्रेस का। वैसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC24।